अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम साकिब राजा है और मैं द मिलेनियम ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ हूं और द मिलेनियम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे मौजूद हूं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुतालिक आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको एक नाम दिया गया था कि ये एक नया इस्लामाबाद बनने जा रहा है और अभी थोड़ी देर में मैं आपको साइट टूर पे भी लेके जाऊंगा और साइट टूर पे आप देखेंगे किस तरह इस पे दिन रात काम किया जा रहा है ताकि इसको उस पॉइंट पे लेके जाया जा सके जहां पे ये हजारों कनाल पे मुश्तमिल एक नया शहर बने। इसको किसी सोसाइटी का नाम या सिटी का नाम या कोई किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया गया, इसे ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम दिया गया और ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम देने के पीछे एक खास वजह रखी गई क्योंकि ये पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। इस शहर के अंदर वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, वो सारे के सारे एमिनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो एक किसी जमाने में कहा जाता था कि ख्वाब समझा जाता है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। हम इसके एंट्रेंस के गेट के आगे मौजूद हैं और इसके एंट्रेंस के गेट के साथ ही फेज वन शुरू होता है और फेज वन के अंदर एक वसी जगह मुख्तस की गई है कि जो साइट इसका हेड ऑफिस यहाँ पे तैयार होगा। ब्लू मस्जिद इस्तांबुल रेप्लिका की साइट की जगह भी मुख्तस कर दी गई है कि जहाँ पे वो मस्जिद बनेगी और ये एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनेगी जो वन ऑफ इट्स काइंड होगी। उसके अलावा जो थीम पार्क का कॉन्सेप्ट है वो एक इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू किया जाएगा और वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फेज वन के अंदर ही रखा गया है। बाकी कैडेट कॉलेज, अब किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हमने स्टेबिलिटी देखनी हो तो वहां पे ये देखा जाता है कि कौन से इस तरह के इदारे उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये हमें इल्म होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल और कितना सीरियस प्रोजेक्ट है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 कनाल से 1,00,000 कनाल तक लेके जाया जाएगा। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक शहर आबाद होने जा रहा है, ये कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई छोटी सी इस तरह की चीज नहीं है कि जिसपे हम ये कह सकें कि ये एक कुछ हजार घरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो है वो स्टार्ट जहां से होगा और यहीं तक खत्म हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंटली लेवलिंग की जा रही है और इस टाइम पे तकरीबन 10,000 से 14,000 कनाल तक इसकी लेवलिंग की जा चुकी है। ये आप देख लें, इस टाइम पे लेवलिंग वाली मशीन जो है वो साइट पे मौजूद है और ये लोग यहां पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, जिससे ये चीज साबित होती है कि जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है वो इस मामले में बहुत सीरियस है कि इसको जिस तरह भी जहां पे भी जैसे भी हो सके एज सून एज पॉसिबल एग्जीक्यूशन के बाद डिलीवरी स्टेज पे लिया जाए। हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया इस मेन बुलेवार्ड पे तय कर चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे कैडेट कॉलेज का संग बुनियाद रखा जाएगा। अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे कैडेट कॉलेज के लिए जगह मुख्तस की गई है और यहाँ पे आने वाले वक्तों में एक विद इन ए फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स यहाँ पे एक ग्रैंड ओपनिंग रखी जा रही है, ग्रैंड मेगा फंक्शन। ये जो जिस तरह मेरी बैक साइड भी देख सकती हैं कि हम मेन एंट्रेंस से काफी किलोमीटर अंदर आ चुकी हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर और मेन बुलेवार्ड से हम लोग कैडेट कॉलेज की साइड पे और कैडेट कॉलेज की जो साइट है ये कई सौ कनाल पे मुश्तमिल है। ये वो बुलेवार्ड हैं कि जिनको लेवल कर दिया गया और इसके बाद जो है वो अब ये अपने हतमी शक्ल की तरफ है और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर यहाँ पे काफी चीजें जो है वो साइट पे क्लियर कर दी जाएंगी। द मिलेनियम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी कंपनी है उसके प्लेटफॉर्म से हमारा जो है वो ओवरसीज कनाडा में भी ऑफिस है और ओवरसीज ऑपरेशंस भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो क्लाइंट्स हैं वो हम जब हमने वहां पे इस चीज को प्रेजेंट किया था कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में तो हमें वहां से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था और लोगों ने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की थी। इस टाइम पे भी बहुत ज्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे पास कनाडा के हैं, स्टेट्स के हैं, यूरोप के हैं
और द मिलेनियम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे अपने वैल्यूड कस्टमर्स को कि जो हमारे साथ एक रेगुलर इन्वेस्टर्स थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनको भी यहाँ पे विजिट करवाया, उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यहाँ पे अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी प्लॉट्स जो हैं, अपना अपना हिस्सा डाला है। तो मैं आप सब लोगों से भी यही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द राइट टाइम, कि आप इस टाइम पे जहाँ पे आप देखें ना कि जब ओवरसीज क्लाइंट जो है वो, या ओवरसीज एक कस्टमर जो है वो किसी चीज में इंटरेस्ट शो करता है, तो वो आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च करता है। तो अगर कैनेडा, स्टेट्स और यूरोप से लोगों ने यहाँ पे, और इवन दो गल्फ कंट्री से भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और उनको यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी और अपने आने वाला फ्यूचर सिक्योर दिखाई दे रहा है, तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मुझे सुन रहे हैं कि जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि अभी रेट्स उस पॉइंट पे हैं कि अफोर्डेबल रेट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, तो आप लोग काइंडली इस प्रोजेक्ट में भरपूर हिस्सा लें। आपके तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया।